एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज जूली एंड आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। ओके, सो आज मैं जिस बुक की बात करूंगी उसका टॉपिक बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव है एक्चुअली। सो बुक नेम इज व्हाई मेन डोंट लिसन एंड वेमेन कांट रीड मैप्स, बाय रिटन बाय एलन एंड बारबरा पीस। ओके, सो आई गॉट दिस बुक बाय स्क्रोलिंग एक्चुअली। सो जो टाइटल था ना वो बहुत ही मुझे अट्रैक्ट किया, तो मैंने जस्ट पिक कर लिया ये बुक को। और मैंने जब बुक पढ़ा ना तो मैंने डिस्कवर किया बहुत सारी चीज़ें कि अबाउट अपने बारे में, ये वुमेन के बारे में भी और अपोजिट जेंडर मेन के बारे में भी। सो बहुत सारी चीज़ें दी गई है इस बुक में, डिफरेंस क्यों है, कैसे है, क्यों ऐसा होता है मेन और वुमेन के साथ। ओके, सो इन्होंने बताया एक्चुअली दिस इज़ अ इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक एक्चुअली। सो इन्होंने वेल रिसर्च करके ये बुक लिखी हुई है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हुई है कि आपको लगेगा जब आप बुक पढ़ोगे ना कि अपने बारे में भी डिस्कवर करोगे, अरे ऐसा भी होता है क्या। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे लगेगी कि हाँ ऐसा तो होता है हमारे साथ, ऐसा तो हमने किया है, ऐसा तो हुआ है। और अगर आप पढ़ोगे ना बुक, मेन के बारे में डिस्कवर करोगे कि बहुत बार हमने मेन को क्रिटिसाइज किया कि ये क्यों नहीं करते ऐसा, व्हाई मेन आर लाइक दिस, व्हाई मेन डू दीज थिंग्स लाइक डोंट लिसन, ऑल मेन आर लाइक सेम। ये तो हमने सभी ने किया एक्चुअली, बट बुक पढ़ने के बाद मैंने डिस्कवर किया क्यों ऐसा होता है, क्यों नहीं ऐसा होता है। उसके बाद मुझे लगा रीजन पता है अब। ओके, आइंदा से नहीं करना है। ओके, सो और बहुत लॉट्स ऑफ टाइम वुमेन क्यों करती है ऐसा, वो भी डिस्कवर किया गया है इस बुक में कि मेन बहुत अंडरस्टैंड नहीं करते हैं उन्हें। सो वो भी आप डिस्कवर करोगे कि कैसे ये क्यों होता है, कैसे होता है, और इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। ओके, सो इन्होंने बताया कि मेन और वुमेन वो डिफरेंट है एक दूसरे से, उनका जो ब्रेन है वो डिफरेंटली डिज़ाइन किया गया है हर एक स्किल को हैंडल करने के लिए। एक स्पेसिफिक एरिया दिया गया, किसी लेफ्ट, हमारे जो ब्रेन है लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, सो दोनों को डिज़ाइन ऐसा किया गया है कि कुछ कुछ स्किल में मेन स्किल एक्सेल कर जाते हैं, कुछ स्किल में वेमेन एक्सेल करती है। सो ऐसा नहीं है कि मेन बेटर होते हैं और वेमेन बेटर होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो ये स्किल जो उनके जो डिज़ाइन की गई है हमारी, हमारे ब्रेन को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि कुछ चीज़ों में एक्सेल हो जाते हैं मेन, कुछ चीज़ों में वुमेन एक्सेल हो जाती है। ओके, सो बहुत बार लोग कंप्लेन करते हैं कि वुमेन बेटर ड्राइवर नहीं है, मेन बेटर ड्राइवर है। बहुत बार ऐसा होता है कि बोलते हैं कि वुमेन जो होती है, गर्ल्स होती है, दे डोंट लाइक मैथ, लाइक कैलकुलेशन टाइप थिंग्स, रीजनिंग थिंग्स। सो ऐसा नहीं है, बोथ कैन डू, बट मेन किस इस चीज़ इन कुछ चीज़ों में बेटर होते हैं वुमेन से। सो इन्होंने एग्जाम्पल्स के साथ, रिसर्च के साथ और बहुत सारे इलस्ट्रेशन के साथ इस बुक में बताया कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके, सो बहुत ओके, सो कुछ इस बुक में एक्चुअली कुछ एडल्ट कंटेंट्स भी हैं जो कि बच्चों को नहीं पढ़नी चाहिए इस बुक, ये बुक। सो ओके, सो ये बुक एक्चुअली में कपल्स को भी पढ़नी चाहिए क्योंकि वो एक दूसरे को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि दे एक्चुअली फाइट, सो वो अंडरस्टैंड करेंगे ईच एक दूसरे के बिहेवियर को, ऐसा क्यों होता है। और जो एक्चुअली अपोजिट जेंडर को नहीं जानना चाहते हैं वो अपने बारे में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कवर करेंगे जो आपको लगेगा कि अरे ये तो हमें पता होना चाहिए था। सो दिस लॉट ऑफ थिंग एंड बुक को रीड करने में बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स दे के समझाया गया है, बताया गया, और बहुत सारी चीज़ें आपको लगेगी कि नहीं ये ऐसा भी होता है क्या। सो जरूरी नहीं है कि हर बात सही हो, बट वेल रिसर्च्ड बुक है तो ऑब्वियस है ज़्यादातर बातें सही होगी। सो दीज आर द थिंग्स दैट इज़ रिटन इन दिस बुक। गो रीड दिस बुक एंड इन्जॉय दिस बुक एक्चुअली, एंड आई विल कम अप विद सच मोर वीडियोज़ और
मेरे को बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, एंड आई विल कम अप विद सच मोर वीडियोस. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रीडिंग.